सो वेलकम यू ऑल गाइस, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। तो चलिए, इसमें हमारे पास दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स, ध्यान रखना ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 एंड 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं ना, आपको उनका सम निकालना है। तो मैं पहले तो एपी फॉर्म कर लेता हूँ, मतलब यहाँ पे ऑड नंबर्स की लिस्ट फॉर्म कर लेता हूँ। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहला ऑड नंबर आप मुझे बताओ क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, ऑब्वियस है, सबसे पहला ऑड नंबर होगा 1। फिर मुझे क्या मिलेगा, 3, ठीक है, फिर उसके बाद 5, देन विल गेट 7, देन विल गेट 9, देन विल गेट 11 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये होगा आपका ऑड नंबर की लिस्ट। अब बात आई लास्ट नंबर क्या होगा, सो लास्ट नंबर होगा मेरा, देखिए कुछ इस तरीके से 47, 49, 51 भी होगा क्या, नहीं होगा, है ना। सो 47 और 49, सो लास्ट नंबर क्या होगा, 49। अब मुझे इसका सम क्या करना है, तो देखिए सम के लिए फॉर्मूला यहाँ पे मैं एक बार और लिख देता हूँ, है ना। वैसे तो सारी वीडियो में हम लिखते ही आ रहे हैं, बट जो पहली बार देख रहा है उसके लिए भी ज़रूरी है लिखना, बिकॉज उसे पता ही नहीं होगा ये फॉर्मूला कैसे आ गया, क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आ गया 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय द कॉमन डिफरेंस डी। तो यहाँ पे मैं लिख दिया, मैंने फॉर्मूला तो लिख दिया, अब इसे मैं अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे सम चाहिए मुझे कितने टर्म्स का, अब वो तो मुझे पता नहीं है कितने टर्म्स होंगे, ठीक है, आप खुद सोचो। आपको ये तो पता नहीं कि यहाँ से यहाँ तक में कितने टर्म है, 1 है 2 है 3 है, कितने टर्म्स हैं, आप काउंट करने बैठोगे नहीं, बिकॉज इस क्वेश्चन में तो चलो आपने काउंट कर लिया कि टोटल कितने टर्म्स हैं, लेकिन कोई और बड़ा डेटा आ गया तो आप काउंट तो करोगे नहीं उसे। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला ये वाला यूज़ नहीं करना है, एक और अच्छा सा फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, वो कौन सा फॉर्मूला है, एन बाई टू ए प्लस एल। आया समझ में ये कौन सा फॉर्मूला है, एन बाई टू ए प्लस एल वाला। क्यों यूज़ किया मैंने ये, बिकॉज देखिए यहाँ पे मुझे पता नहीं था कि कौन से नंबर का टर्म है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे पता नहीं है कौन से नंबर का टर्म है, बट देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता है कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, तो चलिए इसे किसी फॉर्मूले से नहीं, इसे हम यहाँ पे लॉजिक से सॉल्व करते। देखिए अगर ये नंबर 1 से 50 के बीच में होता, ठीक है, अगर 1 टू 50 की बात करूँ, सो टोटल नंबर कितने होते, 50, ठीक है, 1 से 50 के बीच में टोटल कितने नंबर होते बीच में, या फिर कह लो इंक्लूड करके इनको, ठीक है, आप इनको भी इंक्लूड करो अगर 1 को और 50 को, ठीक है, अगर आप 1 को और 50 को दोनों को इंक्लूड करो, सो विल गेट टोटल 50 नंबर्स। कोई डाउट इसमें, विल गेट टोटल 50 नंबर्स। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये टोटल 50 नंबर्स हैं, तो इसमें से इवन कितने होंगे, इसका हाफ हो जाएगा, तो वो कितने होंगे, 25, आप करके भी देख लेना। और ऑड कितने हो जाएंगे, यहाँ पे ऑड नंबर होंगे यहाँ पे अगेन 25। तो यहाँ पे हमसे ऑड नंबर पूछा गया है, तो ऑड नंबर कितने होंगे, टोटल 25। एक तो ये मेथड है सॉल्व करने का, और एक थोड़ा सा फॉर्मूले के साथ आता है। फॉर्मूला कैसे, आपको यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो चलिए उससे भी देख लेते हैं 25 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये होता है a प्लस, ये क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय द कॉमन डिफरेंस d। तो यहाँ पे nth टर्म मुझे पता है 49 है, सो आई विल पुट हियर 49 इज इक्वल्स टू द इनिशियल टर्म विच इज 1 प्लस n माइनस 1। तो ये मुझे पता नहीं है, यही मुझे कैलकुलेट करना है, और डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिए प्लस ऑफ 2 का डिफरेंस होगा, तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया। सो 49 माइनस 1 इज 48, और यहाँ पे 2 डिवाइड में आएगा, और ये किसकी इक्वल होगा, n माइनस 1 के इक्वल। अब यहाँ से अगर आप इसे कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 24, और ये माइनस है यहाँ पे आएगा प्लस में, तो यहाँ पे n कितना हो गया आपका 25। तो देखिए काफ़ी इजीली यहाँ से n इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट हो चुका है, तो ये कितना आ गया 25। और यहाँ पे मैंने इस मेथड से बताया, तो आप इस मेथड से भी जा सकते हो, है ना, आपसे कोई नहीं पूछेगा आपने n कैसे कैलकुलेट करिया, आप ये भी लिख सकते हो, तो एग्ज़ाम में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने n तो कैलकुलेट कर लिया, अब इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, बहुत ही कन्वीनियंट फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का। अच्छा मुझे टर्म्स कितने निकालने, 25 है, तो अब यहाँ पे n की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 25, एंड दिस विल बी इक्वल टू n बाय 2 विच इज 25 बाय 2, एंड द इनिशियल टर्म प्लस द लास्ट टर्म, इनिशियल टर्म इज 1 प्लस द लास्ट टर्म इज 49। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ 25 टर्म्स विल बी इक्वल टू 25 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 50।
अब अगर आप यहाँ पे इसे सॉल्व करोगे तो ये 25 हो जाएगा। सो 25 मल्टीप्लाइड बाय 25, और ये तो आपको पता ही है किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये सम ऑफ 25 टर्म्स कितना हो जाएगा, 625, बिकॉज 25 का स्क्वायर होता है 625। सो गाइज काफ़ी ईजी था ये सोल्यूशन। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।